नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, 26 जनवरी के कार्यक्रम में भारत मुख्य अतिथि के रूप में इमैनुअल मैक्रोन को निमंत्रण दिया गया था, जिन्होंने सहर्ष स्वीकार करते हुए भारत में 2 दिवसीय कार्यक्रम के लिए आए हुए हैं। यह भारत की एक परंपरा के रूप में है कि वो 26 जनवरी के कार्यक्रम में अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष को हमेशा से बुलाता आया है। इस बार मुख्य अतिथि के रूप में इमैनुअल मैक्रोन आए हुए हैं। इमैनुअल मैक्रोन की विजिट बहुत महत्वपूर्ण है कई मायनों में, और उनकी इस विजिट में कई अहम समझौते हुए हैं। मुख्य रूप से यह समझौता डिफेंस के सेक्टर में, एयर स्पेस के सेक्टर में, क्लीन एनर्जी के सेक्टर में, हेल्थ केयर के सेक्टर में हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से भारत की टाटा ग्रुप और यूरोपियन कंपनी एयरबस के बीच में एक डील हुई है, जो एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर बनाने पर सहमति बनी है। इसका नाम है H-125। दोस्तों, बता दें कि यह इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसकी मार्केट वैल्यू 55 से लेकर 60 बिलियन डॉलर तक है। इसकी मार्केट वैल्यू 2030 तक 100 बिलियन डॉलर को भी क्रॉस कर जाएगी। यह एक ऐतिहासिक डील है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि निजी क्षेत्र की कोई भी कंपनी भारत में सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर को बनाएगी। यह मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत होगा। अभी शुरुआत में इसमें कम से कम 40 हेलीकॉप्टर बनाने पर डील किया गया है। इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी की जाएगी। अभी इस क्षेत्र में सिर्फ 2 ही कंपनियों के नाम आगे आते हैं, एक अमेरिकन कंपनी बोइंग और दूसरी ये यूरोपियन कंपनी एयरबस है। एशिया में यह टेक्नोलॉजी अब सिर्फ भारत के पास होगी। चीन के पास भी जो टेक्नोलॉजी है वो विश्वसनीय नहीं है, और उसकी इस टेक्नोलॉजी में कोई खास दम नहीं है। यह एक मील का पत्थर प्रोजेक्ट साबित होगा। भारत की इससे बहुत ही अच्छी कमाई होगी। पहले यह भारत खुद बनाएगा और खुद यूज करेगा, और इसको एक्सपोर्ट भी करेगा। 2026 तक इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इस डील से भारत और फ्रांस के रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। फ्रांस हमारा एक महत्वपूर्ण पार्टनर है, बहुत अच्छा मित्र मुल्क है। दोस्तों, इससे जुड़ी हुई और भी कोई डेवलपमेंट आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।